हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। मैं सुजीत भाकनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड फर्स्ट 1, 2 हम कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, टू नंबर्स आर इन दी रेशियो 5:3। इफ दे डिफर बाई 18, वट आर द नंबर्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है टू नंबर्स, दो नंबर हैं इन द रेशियो 5:3। उनका जो रेशियो है वो 5:3 है टू नंबर्स का। इफ दे डिफर बाई 8 मीन्स, डिफर मीन्स है कि उनके बीच जो डिफरेंस है वो 18 है, देन वट आर द नंबर्स। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि क्या करना होता है। जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है उसे हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर नंबर्स हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट आर द नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट मीन्स आपको नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो हम लेके चलेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी। देखिए यहाँ पर रेशियो वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भी जो नंबर होंगे यहाँ पर नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए जो रेशियो होगा, ये फर्स्ट नंबर का रेशियो है, ये सेकंड नंबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x। कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ पर आपको अगर एज्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस नंबर्स पर क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 5x। इसी तरीके हम दूसरे यहाँ पर लिखेंगे, लेट द सेकेंड नंबर बी। देखिए आप सेकेंड नंबर पर क्या है, 3 है हमारे पास, पर क्या हो जाएगा, 3x। ओके, इतना तो हमने कर लिया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या है, इफ दे डिफर मीन्स ये दोनों का जो डिफरेंस है 18 है, कितना है 18 है, तो इनका डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मींस फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर इज 5x एंड द सेकंड नंबर इज 3x इक्वल टू 18, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इजीली इसे सॉल्व करने के लिए यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, 5x माइनस 3x मींस ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2x इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर है 18। ओके, अब मुझे क्या करनी है, वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 को यहां से हटाना पड़ेगा, तो हमें लिखना होगा डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स। तो इस 2 को अगर हटाना है, मल्टीपल में 2 है, इसे हटाने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2x डिवाइड बाय 2 एंड 18 इज डिवाइड बाय 2। तो ये 2 से t यहां पर कैंसिल आउट हो चुका है, एंड 2 से हम जब 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, तो 9 हमारे पास वैल्यू ऑफ x आ चुकी है, वैल्यू ऑफ x इज 9। देखिए जो ये वैल्यू ऑफ x आई है, इसी से हमने नंबर अब कैलकुलेट करने हैं। देखिए फर्स्ट नंबर हमने यहां पर एज्यूम किया हुआ था कि क्या है, 5x, तो हम लिखेंगे सो फर्स्ट नंबर इज क्या हो जाएगा, 5x है, मींस 5 मल्टीप्लाई एक्स है, तो यहां पर हम निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x, अभी बच्चों हमने क्या निकाली हुई है, 9, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 9 इज 45। 45 हमारे पास आ चुका है फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड जब हम नंबर निकालेंगे, सेकंड नंबर इज, देखिए सेकंड नंबर हमारे पास क्या था, 3x मींस 3 मल्टीप्लाई एक्स, और यहां पर देखेंगे वैल्यू ऑफ 3 के बाद जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो हमने क्या निकाली है, 9।
इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 27, 9 3 मल्टीप्लाई 9 इज 27, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आप देख लीजिए नंबर इनका जो डिफरेंस है, अगर आप हमने अगर आंसर की अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं कि सही है या गलत है, आप देख लीजिए इनका डिफरेंस हमारे पास 8 आना चाहिए, सॉरी 18 आना चाहिए। तो 18 45 माइनस 27 अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 18। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपके समझ में इजिली आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या इसमें दिया हुआ है, थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। थ्री कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, अभी बताऊंगा कंजिक्यूटिव नंबर्स होते कौन से हैं। एड अप, उनको जब एड किया गया है तो 51 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स सबसे पहले समझ लीजिए। सपोज हमारे पास 1 है, इसके ठीक बाद कौन सा नंबर आता है, 2 आता है। इसके ठीक बाद कौन सा नंबर आता है, 3 आता है। इसके ठीक बाद 4 नंबर आता है। देखिए ये सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब मेन बात ये है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें मिल कैसे रहा। देखिए जब 1 में मैं +1 करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, और 2 के बाद 3 कब मिलेगा, जब मैं 2 में +1 करूंगा, एंड 3 के बाद जब मैं 3 में +1 करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा। इसी तरीके से जब 4 में +1 करूंगा तो 5 मिलेगा। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहिए, कुछ मिला के कहने का मतलब ये है कि जब कोई नंबर होता है उसमें हम +1 कर देते हैं तो हमें कंजिक्यूटिव नंबर्स मिलता है, उस मीन्स उसके ठीक बाद वाली नंबर मिलती है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो आइए आप करते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें यहाँ पर, अभी तो हमें पता था कि 1 के बाद क्या नंबर्स आएगा, 2 के बाद क्या नंबर्स आएगा, 1 के बाद 2 का क्या कंजुगेटिव नंबर्स होगा, बट यहां पर हमें पता नहीं है तो हम लेके चलेंगे लेट फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर इज एक्स। देखिए एक्स हम कोई फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर लेके लेके चल रहे हैं, तो अगर मुझे इसके नेक्स्ट वाला कंजुगेटिव नंबर्स अगर कैलकुलेट करना है तो मैं इसमें क्या करूंगा, +1 कर दूंगा। तो ये है सो सेकंड कंजुगेटिव इंटीजर इज, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक्स +1। ओके, अभी मैंने इसीलिए आपको ये एग्जांपल बताया था कि जब किसी नंबर के बाद हमें कंजुगेटिव नंबर निकालना होता है हम उसमें क्या करते हैं, +1 ऐड करते रहते हैं, तो उसके ठीक बाद वाली नंबर, जो उसके बाद ठीक बाद वाला जो नंबर आने वाला है वो नंबर हमें मिल जाता है। सपोज एक्स की वैल्यू अगर 5 होगी तो एक्स +1 करके हमें क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। तो ये कंजुगेटिव नंबर है। इसी तरीके से इसका इसका जो कंजुगेटिव नंबर होगा कैसे होगा, एक्स +1 के बाद फिर उसमें +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, 6 एंड 7। इसी तरीके से देखिए थर्ड निकाल लेते हैं, थर्ड कंजुगेटिव इंटीजर इज एक्स +1। ये नंबर था, इसका कंजुगेटिव कैलकुलेट करना है तो उसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स +2। ये देखिए थ्री कंजुगेटिव नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए इंटीजर्स एड अप टू 51, इन इंटीजर्स को जब मैं ऐड करता हूँ, इसे इसे और इसे, इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या नंबर आता है, 51 आता है। तो सिंपल सा है, फर्स्ट नंबर लिख लीजिए, देन उसमें ऐड कर दीजिए जो सेकंड नंबर हमने निकाला हुआ है एक्स +1, और उसके बाद उसमें ऐड कर लीजिए थर्ड नंबर एक्स +2। फर्स्ट नंबर, सेकेंड कंजुगेटिव नंबर एंड थर्ड कंजुगेटिव नंबर, दिस इक्वल टू 51। ओके, देन एक्स 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 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x +1 +2 इज +3 इक्वल टू 51, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले इस +3 को यहाँ से हटाना होगा। इस +3 को हटाने के लिए क्या करना होगा, ये ऐड हुआ है तो -3 हम इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग थ्री बोथ साइड्स, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग थ्री बोथ साइड्स जब हम करेंगे तो हमारे पास यहां से कर लेते हैं सॉल्व, थ्री
3x प्लस 3, इसमें माइनस 3 कर लीजिए, एंड बोथ साइड्स है तो RHS में भी आपको 51 से भी माइनस 3 आपको करना होगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3x इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 48। अब ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ क्या करना होगा, बोथ साइड हमें 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो 3 मल्टीप्लाई में है, इसको हटाने के लिए यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना होगा। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया होता है उसे अगर हटाना है तो उसी नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और अगर डिवाइड है उसे हटाना है तो उससे उसी नंबर से क्या कर देंगे, उस नंबर से में बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा 3 1 जा एंड 3 6 जा 16। द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास 16। 16 मीन्स ये है एक्स, हमने क्या यहाँ पर एज्यूम किया हुआ था, हमने क्या हुआ था, फर्स्ट कंजुकेटिव इंटीजर इज एक्स, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ चुका है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब बहुत इजी है, अब देखिए सेकंड नंबर नंबर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सेकंड नंबर इज, देखिए इसका कंजुकेटिव क्या होगा, इसमें आप प्लस 1 कर सकते हैं इजिली, हो जाएगा 17। एंड द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर इज, अब ये नंबर था इसका कंजुगेटिव क्या हो जाएगा, 17 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 18। इन तीनों नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे, 16, 17 एंड 18 को, तो इसका जो एडिशन आएगा वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 51। तो हमारे पास नंबर हो गए हैं 16, 17 एंड 18। देखिए कंजुगेटिव नंबर है, आप ठीक 16 के ठीक बाद क्या आता है 17, आफ्टर 16 के ठीक बाद क्या आता है 17 एंड 17 के ठीक बाद क्या आता है 18। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आज अपने इस वीडियो में क्वेश्चन 5.6 को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से मैथ्स को इजी मेथड से पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।